भाजपा की अंबाला जिले में लोकसभा की पहली विजय संकल्प रैली चर्चा का विषय बन गई है। इसका कारण पूर्व गृह मंत्री एवं अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज रहे। जिस स्थान पर रैली आयोजित हो रही थी उससे अनिल विज का आवास करीब 13 किलोमीटर दूर है। कार्यक्रम में उनके नाम की पर्ची कुर्सी पर लगाई गई थी। विज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वहीं मंच पर मौजूद सीएम नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री असीम गोयल से लेकर लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया तक ने एक बार भी विज का नाम मन से नहीं लिया। यहां तक कि उनके विकास कार्यों का भी जिक्र तक नहीं किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि यह स्थिति तब दिखाई दी जब एक दिन पहले विज लोकसभा चुनाव की बैठक से दूरी के सवाल पर कह चुके थे कि अब मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, बैठक में बड़े बड़े लोग जाते हैं। रैली में मुख्य अतिथि सीएम नायब सिंह सैनी को पार्टी के पदाधिकारियों ने गदा भेंट की, जिसे वो घुमाते दिखाई दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य में किए विभिन्न कार्यों को लोगों के साथ साझा किया। सीएम कांग्रेस पर निशाना साधते भी नजर आए। मंच पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने भाषण में दिवंगत रतनलाल कटारिया की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब कटारिया लोकसभा में बोलते थे तो अंबाला के किसी न किसी मुद्दे पर आवाज बुलंद करते थे। आपकी आवाज कटारिया के रूप में लोकसभा में गूंजती थी। आज उस आवाज को पार्टी ने बंतो कटारिया के हाथ में सौंपा है। इससे पहले परिवहन मंत्री असीम गोयल भी अपने भाषण में दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया की याद लोगों को दिलाते दिखे। उन्होंने कहा कि दिवंगत कटारिया 3.5 लाख मतों से जीते थे। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब मानूंगा जब जब इस बार कुछ कमाल होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।